तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। और आज से इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ईईसी के यूनिट्स के अंदर के टॉपिक्स के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि जो जो टॉपिक्स थे हमारे सिलेबस के, उन्हें कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग उन्हें समझेंगे। और आज के इस लेक्चर से हम लोग बेसिकली हर एक टॉपिक को समझना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट। और आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं सर्किट्स, मैग्नेटिक सर्किट्स विथ डायग्राम, देन बार मैग्नेट, देन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ये बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको मैग्नेटिक सर्किट सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं लाइक फ्लक्स डेंसिटी, लाइक मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उन सब चीजों को समझने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में कि बेसिकली सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट क्या होते हैं, देन बार मैग्नेट क्या होते हैं, देन अट्रैक्शन रिपल्सन। तो अगर आपको ये सब चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी तो उसके बाद वो सब उन सब चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। उसी की वजह से मैंने सबसे पहले आपको इन सब चीजों के बारे में बताना ज्यादा जरूरी समझा। तो आज इसके इस वीडियो में हम लोग इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस यूनिट का नाम है मैग्नेटिक सर्किट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है। मैग्नेटिक सर्किट बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना है, मैग्नेटिक प्लस सर्किट। तो सबसे पहले मैं आपको सर्किट के बारे में बताता हूं कि सर्किट क्या होता है। सर्किट बेसिकली एक क्लोज्ड लूप होता है। सपोज एग्जांपल आप यहां देख सकते हो, यहां मैंने एक लूप क्रिएट किया, यहां पे क्या एक सर्कुलर वे है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक। ये एक बेसिकली हमारा सर्किट है जहां पे क्या हो रहा है कि सर्कुलेट में चीजों के फ्लो होती है। और इस सर्किट का काम क्या है कि इनके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को फ्लो कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी लाइक फ्लक्स, करेंट। सो अलग अलग टाइप्स में हम लोग अलग अलग क्वांटिटी को फ्लो कर सकते हैं। वैसे ही इस सर्किट में अगर हमें क्लोज्ड पाथ हो और उसमें हमें किसी क्वांटिटी को फ्लो करना हो तो देन उसे हम लोग एक सर्किट बोलते हैं, ओके। सपोज एक बेस्ट एग्जांपल है इसका, सपोज आपके घर में एक टैंक होगी, पानी की टैंक। वहां पे क्या होता है कि एक पानी की टैंक है, ओके, देन डिफरेंट रूम्स है वहां पे, देन क्या हो रहा है, ये पानी का टैंक जो है वो पाइप की मीडियम से क्या फ्लो हो रहा है सब जगह पे, हर एक फ्लैट में, हर एक रूम्स में फ्लो हो रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, ये सब पे टॉप पे होता है। और क्या होता है इसमें कि सबसे पहले पानी यहां से स्टार्ट हुआ और सबको वो क्वांटिटी लाइक उसके अंदर जो पानी होता है उस टैंक के अंदर वो फ्लो होते चली गई वन बाय वन, और वापस से जाके वो पाइप यहाँ पे इंटरलिंक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वही बेस, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अगर हमें एक सर्कुलर पाथ में किसी चीज को फ्लो करना हो जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों एक ही पोजिशन पे खत्म हो, देन उसके लिए हम लोग सर्किट डिजाइन करते हैं। सर्किट में क्या होता है, ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, आपने जिस टाइप के सर्किट को आप यूज करोगे उस अलग अलग टाइप के आप क्वांटिटी को उसमें यूज कर पाओगे, ओके। तो यहाँ पे हमें एक मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। मैग्नेटिक सर्किट से पहले पढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि मैग्नेट क्या होता है। बेसिकली मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी आयरन के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, आयरन के एलिमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। सपोज मैं आपको यहां एक डायग्राम से इसको अच्छे से समझाता हूं। मान लो कि आपके पास एक आयरन का सब्सटेंस है, आयरन का सब्सटेंस आपने स्पीकर में देखा होगा कि बेसिकली उसको हिंदी में हम लोग चुंबक बोलते हैं, जो क्या करता है कि आयरन के जो भी चीजें होते हैं उसको अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। तो वही सपोज मान लो आपका एक आयरन का सब्सटेंस है यहाँ पे, एक आयरन का छोटा सा सब्सटेंस है यहाँ पे, और ये क्या करेगी, यहाँ पे मान लो कि ये हमारा मैग्नेट हुआ और ये डिफरेंट डिफरेंट आयरन के छोटे छोटे सब्सटेंस है, ओके। तो ये मैग्नेट का काम क्या है, मैग्नेट क्या करेगी, इन सब सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, मतलब क्या अपनी तरफ खींचेगी। जैसा हमने देखा भी हुआ कितने बार हम लोग क्या करते थे बचपन में कि हम लोग एक आयरन मैग्नेट को ले लेते थे और बहुत सारे आयरन के सब्सटेंस को रखते थे उसके साइड में और देखते थे उसमें क्या होता था कि वहां पे वो अट्रैक्ट कर रहे, वो क्या करती थी कि जो भी आयरन के एलिमेंट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी वो मैग्नेट के पीस। तो वही है, जब हमें एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना हो जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल यूज हुआ है,
मतलब क्या कि ये जो मैग्नेटिक सर्किट है ये मैग्नेट से बना हुआ है, मतलब क्या ये मैग्नेट के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसका काम क्या है, आयरन के सब्सटेंस को, आयरन के छोटे छोटे सब्सटेंस को एक्सेस करने का, अट्रैक्ट करने का। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास एक सर्किट है जो बेसिकली एक क्लोज्ड लूप में है, जैसा कि मैंने आपको अभी एक डायग्राम से समझाया था कि एक क्लोज्ड लूप में हमारा एक सर्किट है, जहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्वांटिटी फ्लो हो रहा है उसे हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, उसे मैग्नेटिक सर्किट में उस क्वांटिटी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, जिसे हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, थीटा से, सॉरी ये थीटा से डिनोट होता है, क्योंकि ये जो बेसिकली जैसे टैंक में हम लोग पानी को फ्लो कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सर्किट में हमारा फ्लक्स फ्लो कर रहा है। और ये फ्लक्स कैसे फ्लो कर रहा है, ये स्टार्टिंग यहां से हो रहा है और ये सब पूरे सर्किट में फ्लो करते करते वापस से इस अपने पोजिशन पे पहुंच गया। तो बेसिकली यही मैग्नेटिक सर्किट का यही फंडा है कि एक ऐसा सर्किट जो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हो और उसमें जो क्वांटिटी फ्लो कर रही वो फ्लक्स हो बेसिकली। जैसे कि करंट, जैसे हमारे वायर में अगर हमें कुछ एक्सेस करना है तो हम जब प्लग लगाते हैं उसमें क्या होता है, वायर में हमारा करंट फ्लो करते रहता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, हमारा फ्लक्स फ्लो करता है। देन यहाँ पे एक बाइंडिंग एंड टर्म्स है। सपोज आपके पास एक मैग्नेटिक सर्किट है, ओके, बट इसमें जो हमारा फ्लक्स फ्लो कर रहा है उसे हम एक्सेस कैसे करेंगे, जैसे कि टैंक से हमारा पाइप के थ्रू पानी हर एक बिल्डिंग को, हर एक फ्लैट को जा रहा है, बट उससे पाइप से हम लोग पानी को कैसे लेते हैं, टैप की वजह से, टैप हमने ओपन किया और पानी उसमें से निकलने लगता है। वैसे ही जब हमें इस सर्किट से इन सब फ्लक्स को लेना होता है, इन सब फ्लक्स को यूज करना होता है, तो उसके लिए हम लोग बाइंडिंग करते हैं इन सर्किट्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये जो बाइंडिंग होता है उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, इसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल्स बोलते हैं, देन इसे हम लोग निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, ठीक। तो जब भी हमें एक मैग्नेटिक सर्किट से उसके फ्लक्स को एक्सेस करना हो तो उसे हम लोग एक बाइंडिंग टर्म से, ये टर्म्स जो है ये मल्टीपल टर्म्स होते हैं एंड इसका साइज कोई फिक्स नहीं है, जितना बड़ा आपका सर्किट होगा उसके हिसाब से आप टर्म्स ले सकते हो, मतलब कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आपको उस सर्किट से लेना है। तो बेसिकली ये फंडा है मैग्नेटिक सर्किट का, जिसमें क्या होता है, एक ऐसा सर्किट जो क्लोज्ड लूप में है और उसमें फ्लक्स फ्लो कर रहा है। तो आगे के जो कॉन्सेप्ट है आपके, लाइक परमाबिलिटी, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो सब समझना आपको बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया एक बार, तो उसके बाद उन सब टॉपिक्स को पढ़ते समय आपको एकदम क्लियर विजन रहेगा कि एक्चुअल में वो बेसिकली वो पैरामीटर्स कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। देन ये मैग्नेटिक सर्किट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट मैं आपको बार मैग्नेट बताता हूँ, बेसिकली कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट में बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, किन सब चीजों को मिलकर एक मैग्नेट बेसिकली क्रिएट होता है, उसके बारे में मैं आपको अब बताता हूँ। सबसे पहले मैं उसको आपको एक डायग्राम से समझाना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम क्रिएट करेंगे। बेसिकली मान लो कि आपके पास एक छोटा सा मैग्नेटिक मटेरियल है, एक छोटा सा सब्सटेंस है, मैग्नेटिक सब्सटेंस, मान लो कि ये आपका एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ये बेसिकली एक आपका मैग्नेट है, ओके, इसे बेसिकली हम लोग चुंबक भी बोलते हैं हिंदी में। इस मैग्नेट का काम क्या है, इस मैग्नेट का बेसिकली काम क्या होता है, जितने भी आयरन के एलिमेंट्स है उनको एक्सेस करना है, उसको अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। सपोज मान लो यहाँ पे एक आयरन कील है हमारे पास, आयरन की, यहाँ पे एक कील है आयरन की, तो ये क्या करेगा, एक स्पेसिफिक एरिया में, मतलब इसका कुछ स्पेसिफिक एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस फील्ड के अंदर जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स वहां अवेलेबल होंगे उन सब मैग्नेटिक मटेरियल्स को वो अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो ये बेसिकली मैग्नेट का काम है। मैग्नेट में बेसिकली दो पोल अवेलेबल होते हैं, जिसे हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल बोलते हैं। एक किसी भी मैग्नेट जो एक कोई भी मैग्नेट जब होता है वो मैग्नेट में दो पोल्स अवेलेबल होते हैं, एक हमारा साउथ पोल होता है, देन नॉर्थ पोल होता है। तो बेसिकली साउथ पोल और नॉर्थ पोल दो बेसिकली एंडिंग है मैग्नेट का। सपोज मान लो कि एक थ्रेड है यहाँ पे, एक धागा है यहाँ पे, ठीक, मान लो कि आपने एक
धागा से आपने यहां बांध के एक मैग्नेट को यहां हैंग किया, लटकाया, ठीक। तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां हमारा साउथ पोल है, यहां नॉर्थ पोल है। तो क्या होगा, एक एंड हमारा साउथ पोल है, एक एंड हमारा नॉर्थ पोल है। ये बेसिकली एक मैग्नेट में कंजिस्ट, एक मैग्नेट में अवेलेबल होती है। एक मैग्नेट में हमेशा दो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, दो एंड प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग साउथ पोल बोलते हैं, साउथ पोल देन नॉर्थ पोल। ये बेसिकली एक मैग्नेट, जो भी मैग्नेट हमारा होता है, हमारे मैग्नेट में हमेशा एक साउथ पोल अवेलेबल होता है और एक नॉर्थ पोल अवेलेबल होता है। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल से रिलेटेड दो दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। लाइक एक है हमारा अट्रैक्शन, देन सेकेंड है हमारा रिपल्सन। सो अट्रैक्शन और रिपल्सन के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या हो रहा है, सपोज मान लो कि हमारे पास दो मैग्नेट है, मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज मान लो हमारे पास एक मैग्नेट यहां है, एक मैग्नेट और, हमारे पास दो मैग्नेट है, ओके। दोनों में क्या होगा, एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, इसके पास भी एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा। तो सबसे पहले हम लोग अट्रैक्शन को समझेंगे, अट्रैक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, अट्रैक्ट कैसे कर रहा है एक मैग्नेट, ओके। जब भी मैग्नेट, एक से अधिक मैग्नेट का मतलब हुआ, एक से ज्यादा मैग्नेट का जब भी कोई दो एंड डिफरेंट हो, लाइक ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, यहां पे क्या हो रहा है, ये एंड अलग है, ये एंड डिफरेंट है। तो जब भी हमारे मैग्नेट का दोनों एंड डिफरेंट हो, इसका मतलब क्या, यहां पे हमारा अट्रैक्शन होगा। मतलब क्या, जब भी डिसिमिलैरिटी हो दोनों एंड में, तो ये क्या करेगा, इन ये क्या करेगा, आपस में दोनों अट्रैक्ट होंगे, आपस में दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिकली अट्रैक्शन का फंडा है कि जब भी हमारे मैग्नेटिक मटेरियल के दोनों एंड अगर आपस में डिफरेंट हो, मतलब कि ये अलग है, इसका एंड अलग है और इसका एंड अलग हो, देन क्या होगा, दोनों मैग्नेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेगी। देन नेक्स्ट है आपका रिपल्सन। रिपल्सन रिपल्सन डायरेक्ट इसका अपोजिट टर्म होता है। रिपल्सन में क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास दो सिमिलर सब्सटेंस है, ये साउथ हो गया, यहाँ पे मान लो ये नॉर्थ पोल है, देन ये साउथ पोल है, ओके, देन साउथ, ये नॉर्थ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो मैग्नेट है आपस में, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों मैग्नेट के जो एंडिंग पॉइंट है वो दोनों सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या है कि दोनों सिमिलर हैं, जिससे कि क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को डिपल्सन करेगी। मतलब क्या कि फोर्सफुली वापस इसको, मतलब अट्रैक्ट ना करके वो उसे क्या करेगा, और प्रेशर देके उसे पीछे ढकेलेगा। इसका मतलब क्या है कि अट्रैक्शन का डायरेक्ट ऑपोजिट क्या होता है, अपना रिपल्सन होता है, जिसमें क्या होता है कि मैग्नेट का जो दोनों एंडिंग है वो आपस में सिमिलर होते हैं। जैसे ये साउथ पोल है और इसका भी साउथ पोल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों मैग्नेट के एंड जो आपस में सिमिलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिपल्सन का टास्क परफॉर्म होगा। यहाँ पे क्या करेगा, दोनों मैग्नेटिक मटेरियल एक दोनों को रिपल्सन करेगी, मतलब दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देके दोनों को आपस में, मतलब आपस में वो अलग करना चाहेगी। तो ये बेसिकली फंडा है अट्रैक्शन का, रिपल्सन का। और मैं आपको इस वीडियो में एक एग्जैक्ट आइडिया बताता हूं कि बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और एग्जैक्ट उसका वर्किंग क्या होता है, ओके। देन हम लोग बेसिकली जानते हैं कि मैग्नेट किस एरिया में किन सब चीजों को एक्सेस करता है, किन सब आयरन के एलिमेंट को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मान लो कि आपके पास एक मैग्नेट है, इसी मैग्नेट को हम लोग बार मैग्नेट भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, मैग्नेट या बार मैग्नेट। हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास सबसे पहले यहाँ साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ओके। ये आपका साउथ पोल हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ओके। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये हमारा मैग्नेट है, देन जो भी एरिया इसने ऑक्यूपाई किया है, सपोज हर एक मैग्नेट कुछ कैपेसिटी होती है जिन्हें हम मैग्नेटिक एरिया बोलते हैं। मतलब क्या कि ये जो मैग्नेट है कितने एरिया के एलिमेंट को एक्सेस करेगा, क्योंकि एरिया बहुत बड़े, इतना एरिया भी हमारा हो सकता है जितना यहाँ पे अवेलेबल है, बट क्या कि ये एक स्पेसिफिक एरिया के
में जो प्रेजेंट हमारे आयरन्स होते हैं, आयरन के एलिमेंट्स, उन्हीं को एक्सेस कर सकता है, जिसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अगर आपको एक्चुअल में देखना है कि एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है मैग्नेट के चारों साइड, तो आप एक बेसिक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसमें, कि आप एक मैग्नेट की सब्सटेंस को ले लोगे, एक मैग्नेटिक मटेरियल को यहां पे ले लोगे, और कुछ आयरन के वो होते हैं पाउडर होते हैं, आयरन पाउडर्स, वो जब आप आयरन पाउडर्स इस मैग्नेट के चारों ओर छिड़कोगे या चारों ओर फैलाओगे, तो आपको वहां पे एक दिखने एग्जैक्ट आइडिया आपको दिखेगा, वहां पे आप देख सकोगे कि जितने भी आयरन के पाउडर होंगे वो मैग्नेट की तरफ मूव करना चाहेंगे, मैग्नेट की तरह एक क्लोज लूप बनाएंगे। ओके, और ये जो लूप हमारा क्रिएट होगा मैग्नेट के चारों, वो लूप किस डायरेक्शन में होगा, वो हमेशा हमारा नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होगा। मतलब क्या, ये इस तरह से हमारा आयरन के जो चंक्स होंगे, आयरन के जो पाउडर होंगे, इस तरह से एक लूप बना लेंगे। इसे हम एक्चुअल में हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली एक मैग्नेट लेंगे और मैग्नेट के चारों ओर उस पाउडर को छिड़केंगे या फैलाएंगे, और वो क्या करेगा, एक क्लोज मैनर में आपको दिखेगा, जहां पे क्या हो रहा है कि जो मैग्नेट का जो फोर्स है, मैग्नेट जो बेसिकली अट्रैक्ट कर रहा है उसे, वो एक लूप के फॉर्म में होगा, जिसे हमने देखा अभी, हमने मैग्नेटिक सर्किट में एक क्लोज लूप देखा। तो आपको इससे आप उसको कोरिलेट कर पा रहे होगे कि मैग्नेटिक सर्किट क्यों जो हो रहा है, क्योंकि मैग्नेट जो हमारा मटेरियल होता है वो हमेशा एक क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो और इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। मतलब कि ये जो फ्लक्स हमारा फ्लो कर रहा है, ये हमेशा हमारा नॉर्थ से लेके साउथ की ओर फ्लो कर रहा है। तो ये बेसिक आइडिया है हमारे मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, और डिफरेंट सर्किट्स लाइक बार मैग्नेट क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, रिपल्सन क्या हो रहा है। होप करता हूं कि आज के इस लेक्चर में जो भी आपको मैंने ये समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया, वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको नोट्स, असाइनमेंट ये सब एक्सेस करना हो, तो इस चैनल के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐसा लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का और योर इंजीनियरिंग फ्रेंड के वेबसाइट का, जहां पे आप जाके इन सभी नोट्स, मटेरियल, असाइनमेंट को एक्सेस कर सकते हो। वहां पे बेसिकली डिस्क्रिप्शन में जाके आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर के ग्रुप को ज्वाइन करना है। उस ग्रुप में अगर आप आसानी से इन सब चीजों के मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही टॉपिक्स थे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे।